चले हम होली खेलने आ चुके हैं। शरीफ भी आ हाँ जी नमस्ते अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शामद आस एक मिनट चैनल और लास्टिंग बिजनेस में स्वागत है। आई होप आप सब ठीक होंगे। नहीं तो मस्त रहो, चल रहा है यार जिंदगी बहुत छोटी है, फालतू या फालतू लोगों के लिए वेस्ट मत करो। दोस्तों मैं सुबह से ये 12 बजे तक भी कोई भी वीडियो नहीं बनाया था और मेरे को आज होली था ना, बाहर जाने का कोई मन नहीं था, इस वजह से मैं घर में क्या पुराना एक वीडियो था वही एडिट करते बैठा था और एक वीडियो शेड्यूल भी कर रखा था मैं एडिट करके। लेकिन फिर क्या हुआ, अचानक क्या है, ये मेरा फ्रेंड वीरेश है ना, उसने कॉल कर दिया। कॉल करके बोला कि भाई ये बाहर चलते आओ, मेरा भाई ये जो है आकर मेरे पर रंग डाल दिया है करके बोला। तो मैंने भी क्या किया, मुझे बहुत ही बोर हो रहा था यार यहाँ पर अकेले बैठना, क्योंकि गली में सारा शोर शराबा था, इस वजह से मैंने क्या किया वहां पर चला गया। चले हम होली खेलने आ चुके हैं लेकिन नया ना करे थे, फिर भी वीरेश ने फोन लगाकर बोल दिया कि खेलेंगे आप भाई करके। तो चलो अभी खेलते हैं, अभी शरीफ भी आने वाला था, उन्होंने दोनों जन मिलकर बाहर घूमने चले जाएंगे। और हम हमारे चेहरे पर अभी तक कोई भी रंग वगैरह नहीं लगाए थे, हम जाकर वहां पर वेट कर रहे थे। वही उसी वक्त क्या हुआ कि उन्हें शरीफ ने एक मैसेज किया था, भाई मैं भी आपके साथ आता हूँ करके। तो वेट कर रहे थे हम शरीफ का, उसी वक्त क्या हुआ कि वहाँ के कुछ लड़कियां आकर खुद आकर, वो हमको पहचान नहीं थे, फिर भी उन्होंने क्या किया आपको रंग लगाते करके ये होली का विश किया, विश करके हम सबको रंग लगा दिए और वैसे ही मेरे माथे पर भी ये लगा दिया उन्होंने, एक टाइप क्या बोलते हैं वो, मेरे ये फेस पर बहुत ही झकास लग रहा था। आप चाहे तो ये वीडियो देख सकते हो। शरीफ भी आ गए, शाबाश, हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली, होय कर पा होली होली हैप्पी होली। लास्ट वेरे गेद बरे ये वायरल फेवर इन द उसके बाद हमने वहां से निकल गए, निकल कर सीधा कहां गए, सीधा केसरी को गए। तो अभी धारवाड़ की गलियों से होकर अभी नहीं हो पाए थे, चलो अभी दूसरे साइड चले जाएंगे, दूसरे एरिया में यहाँ पर केसरी कर रखे है। वहां पर बहुत ही बड़ा फंक्शन हो रहा था, लेकिन वहां पर और एक प्रॉब्लम क्या है कि वहां पर ये खून खराब भी हो रहा था, वहां पर कुछ लोग झगड़े वगैरह खेलते बहुत ही सीरियस हो गया था यार, उस वजह से हमने वहां से निकल कर आ गए। कुछ देर ही वहां पर देखे, उसी वक्त क्या लौट कर वापस चले आए, चले आकर वापस रूम ही जाना कर सोच रहे थे। उसी वक्त क्या हुआ कि वहां पर हमको ये संगम टाकीज करके, यहाँ पर एक धारवाड़ में फेमस बहुत ही पुराना टाकीज है, मेरे अम्मी अब्बा के जमाने से भी है वो, अभी तक भी बहुत चल रहा है टाकीज। वहां पे क्या हुआ कि वहां पर भी डीजे वगैरह चल रहा था, और रेन डांस भी था। तो हमने वहां गए, वहां जाते क्या कि सब भी हमारे टाइप के लोग थे और बहुत ही मस्ती वगैरह कर रहे थे, तो हमने भी वहां पर कुछ स्टेप डाल ही दिया। आई समटाग मित्र मंडल यांचं सर्व स्वागत करत आहे। Leisure.
इतना नाचा इतना नाचा कि यार मैं तो कह नहीं सकता, शायद हम एक से डेढ़ घंटे तक वहीं पर नाचते रह गए। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ फोटो वगैरह लेकर फिर क्या किया, वहां से निकल कर आ गए। फाइनली घर पहुंच चुका हूँ, मेरा चेहरा तो पूरा खराब हो चुका है, देखना है अभी नहा कर, अभी खाना भी नहीं खाया, नहा कर खाना वगैरह खा कर आता हूँ। निकल कर आकर फिर अभी घर में था और ये आकर सभी फेस वगैरह क्लीन कर लिया। वो वहां पर कुछ ये डांस करते वक्त कुछ लोग मिले थे, उन्हें ये रंग लगाया, हम भी उनको रंग लगाया और वहां पर भी दोस्ती बनी, तो बहुत ही अच्छा लगता है यार। रैंडम का कोई लोग मिलता है, दोस्ती होती है तो बहुत ही अच्छा होता है। तो हमने आज बाहर नहीं जाना सोचा था, लेकिन बाहर जाकर भी बहुत ही अच्छा गया हमारे साथ। तो ये दाग अच्छे होते है, सर्फ एक्सेल भी बहुत ही ठीक ही आर्ट बनाते है। तो हमने वहां जाकर दाग बना लिया, लेकिन वो हमको परमानेंट होकर याद बस दिया। तो आप सभी को और एक बार हैप्पी होली। तो इस वीडियो को यहाँ पर खत्म करते हैं, अभी टाइम भी हो रहा था खाने का, तो खाने जाता हूँ। तो इस वीडियो को यहाँ पर खत्म करते हैं, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। ಬಾರಿ ಹರಸ್ತೀನಿ ಒಟ್ಟ ಬಾರಿ ಹರಸ್ತಾನಲ್ಲ ಹಂಗಾರ ಹರ್ಸಣ ಅಂತೀನಿ ನಾನು, ಹಂಗಾರ ನಂಬಿಡ್ರೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಕಾರಿ ಮಾಡಿ ಬಂದಿ ಬಿಡಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ.